गाइज आप किस भाषा में जीरो को यानी शून्य को नहीं लिख सकते हैं? एक ऐसा भाषा जिस पर नहीं लिख सकते हैं, शून्य को क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप बन रहे सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइज भारत का यानी भारत का राष्ट्रीय फल जो आम ही है, यह आपको पहले से पता था, तो 4 सितंबर लिखे, और बाकी देशों का भी राष्ट्रीय फल आम ही है, लेकिन किस किस देशों का राष्ट्रीय फल आम है मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम है, और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल आम ही है। विकासशील देश यानी विकासशील देश है उसमें कितने % बीमारी है जो कि पानी से बीमार हो रहे हैं? विकासशील देश यानी कि भारत, जो कि अभी विकासशील से कहा जाएगा क्योंकि वह विकसित हो रहा है, अमेरिका हुआ और विकसित हो गया है, उसको विकासशील नहीं कहा जाएगा। भारत में यानी किसी प्रकार के देश में पानी से 80% बीमारियां होता है, विकासशील देश में या विकसित देशों में नहीं, जो कि 80% बीमारी होता है पानी से ही। क्या आप अपने आप से सवाल किए हैं कि ठंडे पानी और गर्म पानी अगर दोनों को तौल दे, यानी कि ठंडे पानी को तौल दे और फिर से ठंडे पानी को, और एक पानी को गर्म कर दे, और गर्म करने के बाद वाष्प यानी कि उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलने दे, और उसको लेकर केवल गर्म करने के बाद फिर से दोनों को तौल दे, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा? या नहीं हो सकता है, क्योंकि गर्म पानी हल्का हो जाएगा और ठंडे पानी वो भारी होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल मिले हुए रहते हैं। इसलिए गाइज क्या जो पानी होता है वाटर, वह बर्फ में अगर जम रहे हैं यानी कि बर्फ में जमा रहे हैं, तो जितना उसका पानी का क्षेत्रफल था उतना ही क्या रहेगा? क्या बर्फ में जमने के बाद उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा? आप एक बार फ्रिज में रख कर पानी को बर्फ के आकार में देख सकते हैं, उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी कि जितना पानी रखे उसका 9% भाग वह बर्फ होने पर बढ़ जाएगा। स्टील का बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन एक टन स्टील को प्राप्त करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? अगर पानी नहीं उतना है तो स्टील उतने मात्रा में तैयार नहीं हो पाएगा। मैं बताता हूँ कि 1 kg स्टील को तैयार करने में 300 लीटर पानी, लेकिन 1 टन स्टील को प्राप्त करने में 300 टन, यानी कि 1 टन को प्राप्त करने में 300 टन पानी की आवश्यकता पड़ती है 1 टन स्टील को प्राप्त करने में। पानी को वैज्ञानिक के द्वारा क्या कहता है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा पानी का कोई तो कोई नाम होगा, क्या वाटर ही है? नहीं, पानी का नाम वैज्ञानिक द्वारा अलग रखा है। ऐसा क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया है कि पानी का पहला नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी का नाम हुआ वैज्ञानिक द्वारा, लेकिन इसलिए है कि इसमें अधिक सारे पदार्थों को मिलाए जा सकते हैं, इसीलिए पानी का यूनिवर्सल सॉल्वेंट रखा गया कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाया जा सकते हैं। गाइज पूरे दुनिया में 1 सेकंड में बच्चे कितने जन्म लेते हैं? कितने जन्म लेते हैं 1 सेकंड में? 1 सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में 1 दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, 1 दिन में बच्चे जन्म लेते हैं वह लगभग 2 लाख के करीब बच्चे हैं जो 1 दिन में जन्म ले लेते हैं, जो कि 1 सेकंड में 4 बच्चे कहा जाता है। गाइज आप लोगों ने हम लोगों सुने हुए हैं कि भारत में 140 करोड़ के करीब जनसंख्या है, लेकिन पूरे दुनिया के बात आप कभी सर्च किए हैं? लेकिन पूरे दुनिया के बात आप कभी सर्च किए हैं? कहीं पर रिसर्च किए हैं कि पूरे दुनिया में कितने लोग हैं? जी मैं बताता हूँ कि 106 यानी कि पूरे दुनिया में 106 बिलियन लोग जो कि पूरे पृथ्वी पर हैं, जो कि 106 बिलियन लोग हैं। गाइज पृथ्वी पर जितने व्यक्ति है उन व्यक्ति में से यानी कि सारे व्यक्तियों को क्या शुद्ध पानी पीने के लिए मिलता है? आप लोग कहेंगे नहीं, लेकिन कितने व्यक्ति हैं जिनको शुद्ध पानी पीने के लिए तरसना पड़ता है, वह अशुद्धिया पानी को ही पीकर, जैसे कि छत का पानी हुआ उनको पीना पड़ता है, बहुत सारे देश है जो कि छत के पानी इकट्ठा करके 2 बिलियन व्यक्तियों को अशुद्धिया पानी से ही अपना काम को सारे काम को पीना पड़ता है। गाइज आपको मैं बताता हूँ कि जीरो संख्या को जैसे कि लिखा जाता है कि हिंदी में जीरो कहते हैं शून्य, इंग्लिश में कहते हैं जीरो, इंग्लिश में वन कहते हैं ONE, लेकिन कौन से भाषा में जीरो को नहीं लिखा गया है, यानी कि बिना जीरो से ही चलता है, उसको जीरो का नाम दिया ही नहीं गया है? रोमन में आप 1, 2, 3, 10, 10,
यानी 20 जो भी है लिखा हुआ है, लेकिन आप जीरो को लिख कर देख सकते हैं कि रोमन में क्या लिखा हुआ है जीरो का। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।